पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देश के अन्य राज्यों में श्रमजीवी पत्रकारों को मिल रही पेंशन की व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में भी अविलंब लागू कराने के लिए यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की मांग पर सहमति जताते हुए श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस प्रकरण को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट से संबंध UPWJ के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान श्रम मंत्री मौर्य ने कहा कि अन्य राज्यों की तर्ज पर यूपी में भी पत्रकारों को पेंशन मिलनी चाहिए और वो इस मांग से सहमत हैं। UPWJU के अध्यक्ष TB सिंह, राज्य सचिव राजेश मिश्रा, संगठन सचिव अजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार सुनील दिवाकर और आशीष वाजपेयी के साथ श्रम मंत्री से मिलने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में IFWJ के प्रधान महासचिव परमानंद पांडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी और IFWJ के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ कलहंस भी शामिल रहे। हेमंत तिवारी ने श्रम मंत्री को बिंदीवार ज्ञापन में उल्लेखित मांगों को बताते हुए कहा कि पत्रकारों की पेंशन संबंधी प्रतिवेदन सरकार के पास लंबित है और इसका परीक्षण भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि यूपी के पड़ोस में सभी राज्यों जैसे उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में पत्रकारों को पेंशन दी जा रही है, पर यहां के पत्रकार इससे वंचित हैं। परमानंद पांडे ने श्रम न्यायालयों को और भी प्रभावी बनाने और पत्रकारों के सेवायोजन संबंधित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने की मांग की। टीबी सिंह ने कहा कि पत्रकारों को कोरोना काल में आर्थिक कारणों का हवाला देकर मजीठिया वेतन मांगने पर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। श्रम विभाग को उनकी बहाली के लिए कदम उठाने चाहिए। मजीठिया आयोग की तो उसमें समय समय पर जब भी आवश्यकता पड़ी है और जब कभी कोई विशेष समस्याओं को अवगत कराया गया है तो उसमें मैंने प्रभावी कार्रवाई करने का भी प्रयास किया हूं। हमारी कोशिश है कि जो भी श्रम सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, श्रमजीवी किसी प्रकार के हो, जो भी विभागीय कल्याणकारी योजनाएं संभव होती हैं उन तक पहुंचाने का भी प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग अवगत भी हैं कि मजीठिया आयोग की सिफारिशों के विषय में भी समय समय पर निरंतर मैं बैठक भी कर रहा हूं। निर्माण मजदूरों के लिए जहां पूर्व में केवल एक योजना चलती थी, आज 18 योजनाएं चल रही हैं। जो मिल कारखाने, उद्योगों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में श्रमिक काम करते हैं उनके लिए भी श्रम कल्याण परिषद के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को संचालित करने का अभियान चला दिया गया है। दो योजनाएं चलाई हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्रमिक मृत्यु आर्थिक सहायता योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत परिवार को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा दिलाने का। और इसी प्रकार से आपकी एक प्रमुख समस्या आई है कि देश के तमाम प्रदेशों में श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध हो रही है, जबकि उत्तर प्रदेश के श्रमजीवी पत्रकार अभी इससे वंचित हैं। इस विषय पर भी मैं उचित अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता भी करूंगा। हमारी कोशिश होगी कि जब अन्य सभी प्रदेशों में पेंशन की सुविधा पत्रकारों को मिल रही है तो उत्तर प्रदेश के भी हमारे पत्रकारों को पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो श्रम न्यायालय, श्रम न्यायालयों के माध्यम से निर्धारित किए जाने वाले मुकदमे समय पर हो, इसके भी परीक्षण की हम व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि
हमारी नीयत इस मामले में बहुत साफ है और हमारी प्राथमिकता भी है। सनेव जयते का जो कभी नारा दिया गया था, हम उसी रास्ते पर चलते हुए श्रम से जुड़े सभी कर्मकार, श्रमजीवी पत्रकार हों, निर्माण मजदूर हों, मेरे कारखानों उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक हों या असंरक्षित क्षेत्र के हमारे अन्य कर्मकार हों, उन सभी को श्रम विभाग के स्तर से जो भी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से या समय समय पर समस्याओं के निस्तारण से संबंधित प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करके उनको सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा होने का अवसर मिले, विकास की मुख्य धारा की अगली कतार में खड़े दिखाई पड़े, ऐसी चाहत के अनुसार निरंतर विभाग काम कर रहा है और आप लोगों के भी सम्मान के अनुरूप हमारी कोशिश होगी कि आगे आने वाले समय में आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम हो और जो आपकी समस्याओं से युक्त हमें ज्ञापन पत्र मिला है उसमें हमारे स्तर से क्या हो सकता है, यानी विभाग के स्तर से क्या हो सकता है, सरकार के स्तर से क्या होता है, यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से क्या किया जा सकता है, जो विषय जहां उचित प्लेटफॉर्म का होगा मैं उसके माध्यम से समस्याओं के निराकरण की प्राथमिकता सुनिश्चित करूंगा। इन शब्दों के साथ में मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के आए हुए सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि समय समय पर आप लोग समस्याओं को इसी प्रकार से अवगत कराते रहेंगे। जब समस्याएं संज्ञान में आती हैं स्वाभाविक रूप से मैं उसको गंभीरता से संज्ञान में लेता हूँ, उस पर कार्रवाई भी कराने का प्रयास करता हूँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।